ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन गिवन है, अ टैंक फुल ऑफ वाटर हैज़ अ स्मॉल होल एट इट्स बॉटम। पूरा एक पानी से भरा हुआ टैंक है और यहाँ पर एक होल बना दिया गया, होल बना दिया गया। लेट टी वन बी द टाइम टेकन टू एम्प्टी द फर्स्ट हाफ ऑफ द टैंक। मतलब ये पूरा शुरू से लेके आधा खाली होने में जो टाइम लगा वो टी वन लगा, फिर बाकी का जो बचा हुआ आधा खाली होगा उसमें टाइम टी टू लग रहा है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही होने वाला है, ये हम लोग को चूज़ करना है। ठीक है, देखो तुमको हम यहाँ पर ये बताते हैं पहले कि जब कोई भी एक टैंक बना दे रहे, सपोज करो मान लो कि एक टैंक है और इसमें सपोज करो कि अभी H1 हाइट तक पानी भरा हुआ है और इसको खाली हो करके H2 तक चले जाना है और यहाँ पर एक होल है जिससे पानी बाहर आएगा। तो जो टाइम लगेगा ना H1 से H2 जाने में, वो टाइम हो जाता है रूट अंडर 2/g ए बाई स्मॉल ए रूट अंडर H1 माइनस रूट अंडर H2। यहाँ पे कैपिटल ए जो वैल्यू है ना, ऊपर वाले का एरिया है, इसका एरिया है, और स्मॉल ए इसका एरिया है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के हिसाब से तुम अगर निकालोगे तो भी बन जाएगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि टॉरिसेलिस थ्योरम ये बोलता है कि अगर पानी यहाँ से बाहर आएगा तो इसका जो रफ्तार होगा वो डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कितना हाइट तक लिक्विड है। तो शुरू में जब हम देखेंगे तो शुरू में तो ज़्यादा हाइट तक लिक्विड रहेगा, तो वेलोसिटी रूट टू जी एच, फिर धीरे धीरे वो हाइट कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो वेलोसिटी कम होते जाएगा तो जिस हिसाब से पानी बाहर निकलेगा उसका समय तो बढ़ जाएगा ना। तो डायरेक्ट तो हम बता सकते हैं कि टी टू विल बी ग्रेटर देन टी वन, लेकिन इस फार्मूला से भी हम बता सकते हैं, इस फार्मूला से भी हम बता सकते हैं। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2/g कैपिटल ए स्मॉल ए, शुरू में हाइट h था, फिर हाइट हो गया h/2 आधा। ओके, उसके बाद T2 जो है उसमें भी रूट अंडर 2/g कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, शुरू में हाइट h/2 था, आधा से खाली हो जाना है तो जीरो। अब इनको डिवाइड करो, तो डिवाइड करो तो T1/T2 आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये वाला पूरा पार्ट, ऊपर क्या बचेगा रूट एच कॉमन आ जाएगा, तो रूट एच कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 - 1/√2 बचेगा, और नीचे वाले पार्ट से √h/2 बचेगा, √h/√2, तो यहाँ से रूट एच कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1√2 - 1, LCM ले लो, √2, और नीचे बचेगा 1/√2, तो ये √2 √2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा √2 - 1, जिसको 1.414 - 1, मतलब 1.414। तो इतना तुम्हारा रेशियो आ जाएगा T1/T2 का। तो अगर T1/T2 का रेशियो इतना है तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि T1 इज इक्वल टू, एक मिनट, हम ऐसा कह सकते हैं ना यहाँ पे कि हाँ T1/T2 इतना आया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल्स टू 0.1, इसको डिवाइड कर दो पहले तुम, तो इसको कर दो T1/T2 इज इक्वल टू 414/1000, तो इसको तुम कर दो 414/1000। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से हम कह सकते हैं कि T2 इज 1000/414 टाइम्स ऑफ T1, तो 1000/414 मतलब T1 क्या है, कम है, T2 ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, 1000/414, ये 2.41 है लगभग। तो T2/T1 का रेशियो 2.41 है, मतलब कि T2 बड़ा है T1 से। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और जो पहला टॉरिसेलिस थ्योरम बताए वो भी T2 इज ग्रेटर देन T1. Okay, so thank you.